निर्मल बुल्ला थाने के हैं, चंदा गांव में के बारे में सूचना मिली 5 तारीख को थानाध्यक्ष राजीव कुमार से। उस गांव में एक बिजली यादव है और उसका भतीजा विक्की कुमार, ये दोनों हथियार लेके घूम रहे हैं। इनका आपस में जो गोटिया का विवाद, उसमें लोग हथियार लेकर घूमका रहे हैं और लड़ाई झगड़े होने। चचा भतीजा मिल करके बड़ी कांड को अंजाम देने जा रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, मैं हूं अजय कुमार। आपको बताते चले कि पटना से सटे अथमन गोला थाना अंतर्गत बीते 5 तारीख को अपने ही गोतिया पर हमला करने जा रहे थे चचा भतीजा। भतीजे का नाम विक्की और चचा का नाम बिजली यादव है। यह दोनों का पहले से भी आपराधिक इतिहास था। जब इसकी सूचना पुलिस को मिलती है तो पुलिस दल बल के साथ उस गांव में, चंदा गांव में पहुंचती है और उन दोनों को गिरफ्तार करने के लिए जब जाती है तो बिजली यादव जो चचा होता है वह भागने में सफल होता है और वहीं पर भतीजा विक्की को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब इससे गहन पूछताछ की जाती है तो इसके घर से 2-3 देसी कट्टा, एक राइफल, एक नलिया राइफल, एक दो नलिया राइफल को भी बरामद किया जाता है। बताते चले कि गोतिया में आपसी वर्चस्व को लेकर के इन दोनों ने बड़ी कांड को अंजाम देने जा रहे थे, जिसका पट्टा पुलिस ने सफल उद्भेदन कर दिया है। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं ग्रामीण SP रोशन कुमार, जा देखें। घटना ये अथमल गोला थाने की है, चंदा गांव में के बारे में सूचना मिली 5 तारीख को थानाध्यक्ष राजीव कुमार से। उस गांव में एक बिजली यादव है और उसका भतीजा विक्की कुमार, ये दोनों हथियार लेके घूम रहे हैं। इनका आपस में जो गोतिया का विवाद, उसमें लोग हथियार लेके धमका रहे हैं और लड़ाई झगड़े होने की संभावना। जब पुलिस की टीम वहां पहुंची अनुमंडल की सदाई से बाढ़ टू के नेतृत्व में थानाध्यक्ष अतुल गोला के साथ, तो पुलिस को देखकर दोनों चाचा भतीजा भागने लगे। भागने के क्रम में चाचा तो भागने में सफल रहा, लेकिन भतीजा विक्की मर पकड़ा गया। उसके पास से हथियार और उसके बाद बिजली यादव और इसके विक्की कुमार दोनों के घर की जब तलाशी ली गई अच्छे से, तो इस तलाशी के दौरान कुल 3 देसी कट्टा, एक राइफल, एक नाली बंदूक और एक 2 नाली बंदूक और कुछ दो जिंदा कारतूस और 5 खोखा बरामद किया गया। इन दोनों का आपराधिक इतिहास पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। विक्की कुमार का भी आर्म्स एक्ट के केस में आपराधिक इतिहास रहा है और बिजली यादव भी पुराना अपराधी है, पर हत्या के केस में भी पहले भी गिर जा चुका है। इस संबंध में इसके द्वारा बताया जा रहा है कि बिजली यादव चूंकि पुराना अपराधी रहा है और पहले भी वो कई घटनाओं में शामिल रहा, उसके द्वारा हथियार लाया गया था। और चाचा भतीजा मिलकर ये लोग आपस में गोतिया की लड़ाई में निशाना डाली, ये मारपीट करने के इस हथियार का इस्तेमाल लोग आपस में, लोग का पुराना विवाद चल रहा है। बर्तोस की लड़ाई कह सकते हैं कि आपस में गोतिया में कंस्टेबल के आधार पर जो होता है उसकी वजह से लोग फायरिंग की घटना की पुष्टि नहीं हुई। उस दिन ये लोग हथियार लहरा रहे थे, इस बात की मिलने पर कार्रवाई चली। जो बरामद हुए हैं उन्हीं के घर से, घर से हुआ है और एक बिजली यादव जो उसका चाचा जो फरार है उसके बिल्कुल अवैध। जाहिर सी बात है कि रोशन कुमार ग्रामीण SP ने साफ तरीके से बताया है कि बिजली यादव भागने में सफल हो गया है। लगातार बिजली यादव के लिए खोजबीन में पटना पुलिस जुटी हुई है और लगातार छापेमारी कर रही है। इसके पास से भारी मात्रा में असला भी बरामद किया गया है। अब देखना यह होगा कि बिजली यादव कब तक पटना पुलिस की गिरफ्त में होता है। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24। अगर हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, वीडियो पसंद आने पे लाइक शेयर जरूर करें। सहयोगी विकास के साथ मैं अजय कुमार।